राउरकेला स्मार्ट सिटी रो विकल चित्र पानी नपाई वाटको ऑफिस घेराव करछंती शताधिक महिला दीर्घ दुई वर्ष होने पापाई एमती बारंबार यही वाटको ऑफिस को आसुचंती गत एक मास तले एमन को प्रतिश्रुति मिलता जे तांको घर को पानी पाइप जोगाजिबो किंतु एनिकि कौनसी पदक्षेप निजान पर पुणी आज एम आसी धारणा देखते ऑफिस भितर को क्या भी प्रवेश करने को सीधा सड़क चित्र देखिपे बर्तमान शताधिक महिला से आज वाटको ऑफिस घेराव कर तेज चलत राउरकेला भाई एक स्मार्ट सिटी में पानी समस्या किभली भाव उभा होती अधिक आलोचना करवा पानी नहीं है हम लोग के दो साल से पाइप गाड़ दिया हम लोग का पानी नहीं आ रहा है चाहे तो मार दे चाहे तो पानी दो हम लोग के रोड भी हम लोग के खराब कर दिया है पानी एकदम नहीं हम लोग के आ रहा है स्टेशन से पानी ला के हम लोग पीते हैं स्टेशन से नहाना खाना बना सब पीना खाना नहाना पीना सब हम लोग स्टेशन से लाते हैं रोज मार पीट नल पर होता है दो साल से हाँ दो साल से दौड़ रहे पानी देंगे चाहे तो सेंटेक्स देंगे सेंटेक्स भी नहीं देते हम लोग जगह देखने भी नहीं जाते हैं हाँ सब तकलीफ होता है हम लोग को पानी एक तो ट्यूबवेल है उसमें बहुत लड़ाई होता है 20-30 घर हम लोग हैं और न तो सप्लाई जाता है और न पानी आता है और दो साल पहले भी आए थे तो बोले थे कि आप लोग का टंकी देंगे और पानी आप लोग का जल्दी ही देंगे पर हम लोग जब फ़ोन करते हैं फ़ोन नंबर लिए तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए और जब फ़ोन उठाते ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिए और गए चेक इन में तो बोले इधर तो मसान एरिया है नहीं आएगा ट्रैक्टर कैसे आएगा तो हम लोग को सप्लाई तो दो और जब पूरा हर जगह बैठा दिए तो सप्लाई तो देना चाहिए ना तो सप्लाई पानी के लिए तो दूसरा बस्ती से लाते गाली बात सुनते हैं मारो पीटी हो जाता है हम लोग का एक तो ट्यूबवेल वो तोड़ ताड़ कर धर देता है गर्मी के दिन में आए थे तो नहीं कुछ भी नहीं सुन रहे ए, सर आए थे यहाँ अगला साल गर्मी में आए थे जी एम सर पानी के लिए मार पीट झगड़ा लड़ाई सब होता है जिससे भला भले उससे भी दुश्मनी हो जाता है हम लोग तो इतना दूर दूर से पानी लाते हैं नहाने के लिए दो दिन पर नहाते हैं हम तो यही बोलते हैं सर से चलिए हम लोग का घर में एक एक गिलन सब कोई पानी भरिए सबका घर में तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे हम लोग तकलीफ में हैं तब आप लोग सुनेंगे बोलते हैं कि हम लोग को चलिए सेंटेक्स दे दीजिए सेंटेक्स भी नहीं देते हैं वो लोग कौन बोलते हैं दे देंगे आज देंगे कल जाएंगे जाओ हो जाएगा काम हम ऐसे बोल के भेज देते हैं लेकिन देना बिल्कुल नहीं फोन करने ठेकेदार को बोले कि तो हम लोग का बस्ती में पानी छोड़िए तो बोलता है नहीं उधर पानी ऊंचा है उधर नहीं जा पाएगा ऑफिस में जाओ जाओ इधर तो दो तीन बार आ चुके हैं लेकिन सब लोग ऐसे ही भगा देता है बोल के और क्या करेंगे दो साल से ऐसे ही दौड़ रहे हैं आज्ञा देखते सरकार जमी चलती आपको जरिया तो सारा ओडा देखला गोटाए तो मुख्यमंत्री बस से टी टी बुलूँ सबुआ तेणुक सीए जो अफिसर मानक पोषिक रखी अफिसर कौन करेंगे अफिसर तो ताकर हिसाब से ठीक अच्छे से जनता कौन जाऊ से जानते भोट बेले कौन देने कौन भोट आस जानते तेणुक किए पा पातु किए से चाउल पातु किए घर पातु जमी पटा पातु सब तो खाली पटा पटार से चली अज्ञा जल विभाषण व्वाटक कले व्वाटक कर भाटक करेंगे सब को करेंगे किंतु कोर फायदा कौन से देखो गोपबंधु पल्ली मधुसूदन पल्ली गुरुद्वार रोड जितनी से पहाड़ तल जिते एरिया अच्छे आज्ञा दुई वर्ष होगा पाइप डेली पिछा चलुच्छे डेली चलुच्छे आगे कनेक्शन दिखाई पाने ना कि पैसा दि से जिन पा ना पैसा दि ये अधिकारी मैंने बस आज्ञा बीरे नाम जरिया ये मैंने आम समस्त जिला कंग्रेस बारंबार आम मेमोराम रिक्वेस्ट करूँ भाई चल स्पटे चल लोक असुविधा कौन दिया किसी बुझे ना हाँ आपुले कि बर्तमान पखापाखि दुई थर दु वर्ष होगा मैंने एमती दौड़ एनिकी जो ग्रामवासी मैंने रही कि पड़ावासी रही पापाई झगड़ा भी लगुच एपरिक टोल फ्री नंबर दी से नंबर को फोन कले नंबर को ब्लक कर दि जाऊँगी तेज आसत आम सहित वरिष्ठ कंग्रेस नेता रही पचारे प्रकृति में कौन रही समस्या और कहीं से आज आंदोलन को ओह्ल कहीं आंदोलन देखु ये आंदोलन को ओह्ल
ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ପାଲି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ଘର ଘର କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଠିକାଦାର ପଇସା ନେଇଗଲା, ଅଫିସର ମାନେ ପିସି ପାଇଗଲେ, ସରକାରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଆସୁନି। ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆ ଦେଖିବେ, ଲୋକେ ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କେଉଁଠି କିଏ ବୋରିଂ କରିକି ପାଣି ବିକୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ଼ ଏରିଆର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ବୋରିଂ ଅଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ସରମ ଲାଗିବା କଥା। ଏ ବେସରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ପଇସା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ପଇସା। ତା'ର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତ କହିବା ବ୍ୟତୀତ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଘେରିକି ବସିଛନ୍ତି, GM କୁଆଡ଼େ ଫେରାର, କ'ଣ ନାମ ସାଇଟ୍ କି ଯାଇଛି, କ'ଣ ସାଇଟ୍ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ 2 ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଦିନେ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଦିନେ ଆସୁନି, କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସେ ନୂଆ ପାଇପ୍ରେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଏପଟେ ଘର ଘର ଜଲ୍, ଘର ଘର ନଲ୍, ଏସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଜୋର ଚାଲିଛି, ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଯିବୁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଫିସ ତାଲା ପକାଇବେ, ଏ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରିକି ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇବେ, ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଠି ରହିକି ସରକାରୀ ପଇସା ଖାଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ ଆଉ ଏ ଅଫିସରେ ତାଲା ଲଗାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କିଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100+ ମହିଳା ୱାଟକୋ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।